धम्मपद गाथा 119 और 120, इसकी कथा एक ही है, 119 एंड 120। पाप बग्गो पापोपि पस्सति भद्दं याव पापं ने पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ पापो पापानि पस्सति। भद्दोपि पस्सति पापं याव भद्दं ने पच्यति यदा च पच्यति भद्दं अथ भद्दो भद्दानि पस्सति। इसकी जो कथा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बहुत सारे सेठ दुनिया में आएंगे, बहुत सारे मिलियन ईयर, ट्रिलियन ईयर, बिलियन ईयर, अरबपति, खरबपति, करोड़पति दुनिया में आएंगे और जाएंगे, मगर जो नाम अनाथ पिंडक का है ऐसा किसी का नहीं होगा। अनाथ पिंडक अरबपति खरबपति भी था, और जब अरबपति खरबपति नहीं था और सारा व्यापार उसका खत्म हो गया और उसके पास एक दाना भी नहीं था, तब भी अनाथ पिंडक की महिमा उससे ज्यादा थी जब वो अरबपति और खरबपति था। अनाथ पिंडक ने जैतवन आराम, यानी जो जैतवन का विहार था, जैतवन आराम बोलते हैं, जैसे कालाराम मंदिर है ऐसे जैतवन आराम, मंदिर का मतलब होता है जहां मन का दर्द दूर हो सके, ऐसे जैतवन आराम मंदिर हो गया, यानी कि वहां जैतवन, तो जैत का राजकुमार था, जैत राजकुमार बोलते थे। भगवान बुद्ध के लिए एक जगह उसको चाहिए थी जो सावित्री से थोड़ा ना दूर हो ना पास हो और बहुत बड़ी हो। उसको वो बाग बगीचा पसंद आया, उसने वो खरीदना चाहा। राजकुमार को बेइज्जती महसूस हुई कि ये अदना सा आदमी हमारा क्या खरीदेगा। उसका जैत का जो कुमार था, जिसका मालिक था, उसने कह दिया कि सोने से जमीन को अगर बिछा दोगे तो दे दूंगा, नहीं तो यहाँ से जाओ, ये इसकी कीमत है। और वो गाड़ी भर भर के बताते हैं कि सोने की मोहरें लाला के उसने बिछाना शुरू किया। थोड़ी जमीन रह गई तो वो फिर जैत ने उसको दे दिया। नाम उसका जैत ही पड़ा, अनाथ पिंडक आराम नहीं नाम उसका पड़ा, और ना ही सुदत्त पड़ा। सुदत्त अनाथ पिंडक का नाम था, सुदत्त, तो ना ही सुदत्त आराम पड़ा और ना ही अनाथ पिंडक आराम पड़ा, नाम जैतवन आराम ही पड़ा। ये भी एक बड़ी बात है कि खरीदा अनाथ पिंडक ने, खरीदा सुदत्त ने, और नाम उसमें जैत का ही रहा। बेशक बहुत छोटी सी एक जमीन का टुकड़ा उसने दिया तो भी उसके ऊपर नाम उसका रहा, मगर अनाथ पिंडक का नाम सब जानते हैं। बेशक जैत आराम नाम है, मगर जैत के कुमार को कोई नहीं जानता, नाम जैत चलता है बस उतना ही। क्योंकि अनाथ पिंडक ने धम्म को बढ़ाने के लिए और धम्म को सीखने के लिए सब कुछ अपना दिया, जो उसने कमाया वो सब दिया, और जो कमाता रहा वो देता रहा। उसको बड़ा आनंद मिलता था और वो सोतापति फल को प्राप्त हुआ, सोतापन हो गया। अनाथ पिंडक ये समझ गया कि ये जो धन है ये तो चलायमान है, आना जाना है, मगर जो मैं डिग्री यहाँ से लूंगा भगवान बुद्ध से, जो मैं उच्च अवस्था प्राप्त करूंगा, ये मेरी फिक्स है, ये मेरी कमाई है। और इस बात को जान के वो लग गया दान में, और दान के बल पर ही सोतापनी सोतापतिपन हो गया। ऐसी कहानी अनाथ पिंडक की और सुदत्त की है। आप अगर इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजा, महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दुनिया में बिखरे पड़े हैं। जिसने बहुत अच्छा काम किया जनता के लिए उसका नाम है, और जिसने बहुत गंदा काम किया जनता के लिए उसके नाम पे थूकते हैं, उसके नाम पे गाली बकते हैं। कोई उसके नाम पे अपने बच्चे का नाम नहीं रखता, और जिन्होंने अच्छा काम किया उनके नाम पे हजारों नाम है। ये अच्छाई का और ये बुराई का अंतर है। आप देखेंगे कि कितने सारे धनवान हुए उनका कहीं जिक्र तक नहीं आता। आप देखेंगे कि जिन्होंने बड़े बड़े शासन किए, जो बड़े बड़े राजा रहे, महाराजा रहे, उन्होंने जो पाप कर्म किए, उन्होंने जो कमीशन खाए, उन्होंने जो देश को बेचा, उन्होंने जो देश को खाया, उन्होंने जनता को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने जनता को मारा, उन्होंने ना अस्पताल खोले, ना उन्होंने कॉलेज खोले, ना उन्होंने जनता को खाना दिया, ना जनता को, बल्कि जनता से टैक्स लेके, कर लेके लूटते रहे, खाते रहे और पैसे को ले लेके भागते रहे, उनके परिवार खत्म हो गए, उनका वंशज नहीं बचा, और उनके वंशजों को कभी किसी ने पानी भी नहीं दिया, और वो वंश अपने को छुपा के रखते हैं, यानी बताते भी नहीं है कि हम फलाने राजा के वंशज हैं, क्योंकि पब्लिक मारेगी, क्योंकि राजा ने अच्छा काम नहीं किया। ये हिस्ट्री के, दुनिया के जितने भी
तानाशाह रहे हैं या जितने भी क्रूर राजा रहे हैं या जितने भी बेवकूफ राजा रहे हैं या जितने भी शासक रहे हैं उनकी हिस्ट्री उठा लीजिए, उनके वंशज खत्म हो गए, उनकी जो हायरार्की है वो खत्म हो गई, उनकी जो जो उनकी लिस्ट जो उनकी जो उनका गोत्र चला आ रहा है वो खत्म हो गई, उनकी लाइनेज खत्म हो गई, उनके कहीं नाम लेवा नहीं है, उनका पता नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि अगर कोई राजा है तो उसके वंशज, फिर उसके वंशज, उसके वंशज, उनका मान सम्मान खूब बढ़ना चाहिए। मगर अच्छे कर्म करने वालों के नाम चलते हैं और खराब कर्म करने वालों के छुप जाते हैं, लोग उनको जूता भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। वही बात इस दो जो गाथाएं उनके अंदर भगवान बुद्ध ने बताई है। कैसे बताते हैं? अनाथ पिंडक के जब दिन खराब हो गए तो अनाथ पिंडक का जो सेवक था, सेवक ने अनाथ पिंडक के भले के लिए अनाथ पिंडक को कहा कि महाराज मालिक, आपने बुद्ध और बुद्ध के भिक्कों के ऊपर सारा कुछ लुटा दिया और आप इतने धनवान थे, निर्धन हो गए, मेरी सलाह मानिए, अब आप बुद्ध को और उनके भिक्कों को कुछ मत दीजिए, अपना व्यापार कीजिए, फिर से धन धान्य इकट्ठा हो जाएगा। चूंकि वो ना समझ था इसलिए सुदत्त ने, अनाथ पिंडिक ने उसको बहुत बुरी तरह से डांटा और आइंदा के लिए बिल्कुल मुंह को बंद करने के लिए कहा। उसकी समझ में नहीं आया कि उसने अपने मालिक के भले के लिए ये बात कही थी और मालिक ने उसे इतनी बुरी तरह से डांटा। और ये डांट खाने के बाद में समझने के लिए वो भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध से उसने कहा कि मैंने तो मालिक के भले के लिए कहा था पर मुझे डांटा और तो मुझे समझ में आता नहीं, आप ही मुझे समझाइए कि मैंने क्या गलत कहा, मैंने तो अपने मालिक के भले के लिए कहा। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, पापो पी पस्सति भद्दं याव पापं ने पच्चति। यहाँ जो शब्द भद्दंग है इसको कह दीजिए भद्दंग लिखा हुआ है, आधा रे पाली में नहीं होता क्योंकि भद्दी है, भद्द प्रदेश और भद्द जो लोग हैं उन्हीं के हिसाब से ही भद्दी है, तो इसको भद्द करके ही पढ़े, आधा रे कहीं नहीं होता इसलिए पाली में ध्यान है, अगर कहीं भ्रह है तो उसको बही पढ़े। पापो पी पस्सति भद्दंग, यानी पाप भी पस्सति भद्द जो है, जो भद्द माने जो अच्छा है, कल्याण है, वो पाप को देखता है। पापी को जब तक पाप का फल नहीं मिलता तब तक पाप अच्छा समझता है, ये इसका मतलब है। याव पापंग ने पच्चति, यानी पापी पाप को अच्छा समझता है जब तक उसे पाप का फल पच्चति नहीं होता, पका हुआ नहीं होता, मिलता नहीं है। यदा चे पच्चति पापंग, यदा माने जब, और पाप पकता है, अथ पापो पप्पानि पसति, तब वह पाप के फल को देखता है। यानी कि जो पापी है वो पाप के फल को अच्छा ही देखता है। कैसे देखता है? उसको लगता है कि उसने आज कहीं चोरी की, अच्छा किया, उसने लगा कि आज उसने रिश्वत ली, अच्छा किया, उसने कहीं किसी को मारा तो अच्छा किया, उसने किसी को सताया तो अच्छा किया, उसने किसी की जमीन पर कब्जा किया तो अच्छा किया, उसने किसी के अधिकार को छीना तो अच्छा किया, उसने किसी की जगह नौकरी ले ली तो अच्छा किया, उसने किसी का कोई जो मिलने का सामान था उसकी जगह खुद ले लिया तो अच्छा किया, जालसाजी हेराफेरी करके। तो पापी को वो फल जो है वो बड़ा अच्छा लगता है उस समय जब वो करता है, मगर जब वो पाप का फल पकता है, कैसे पकता है? अगर आप किसी का नुकसान करेंगे तो आप शांत नहीं रहेंगे, तो दारू पियेंगे, तो आपके घर में आपके बच्चे भी दारू पियेंगे, आप सिगरेट पियेंगे, आप बीड़ी पियेंगे, आप हुक्का पियेंगे, आप इधर उधर अनाप शनाप पैसा लगाएंगे, आप व्यभिचार में जाएंगे, झूठ में जाएंगे, तो आपके बच्चे आपसे लिबर्टी लेके सीखना शुरू कर देंगे। अधिकतर ऐसे जितने भी लोग हैं जो पाप कर्म करते हैं और पाप का काम करते हैं, उनको लगता है कि इसका बड़ा फायदा तुरंत है, उनके बाद में रिजल्ट बहुत आते हैं, उनके परिवार खत्म हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी पोजीशन पर रहकर गरीबों का नुकसान करता है, उनकी एफआईआर नहीं लिखता या उनको सही से जजमेंट नहीं देता या उनका अधिकार नहीं देता या उनको खाना नहीं देता, मैंने आज तक की हिस्ट्री में नहीं देखा कि जो लोग उनका अधिकार मारते हैं उनके घर में शांति है, उनके घर में पाप ही पाप भरा हुआ है, अशांति अशांति भरी हुई है। क्योंकि नंबर दो का पैसा जाता है तो पीछे पीछे ख्याति भी जाती है, बच्चों को पड़ोसियों को पता रहता है। आजकल तो वैसे भी टेलीफोन का और नेट का जमाना है, कोई घटना होती है तुरंत आ जाती है, मोहल्ले में सब जानते हैं कि ये घर के आदमी के अंदर कितना कमीना है और ये कितना अच्छा है, कहता कोई कुछ नहीं है मगर सब जानते हैं, इसलिए उसे दूरी बना के रखते हैं, गंदा आदमी है दूरी बना के रखें। ये दूरी बना के रखना ही उसके पाप कर्म का फल है, क्योंकि उससे कोई मिलना ही पसंद नहीं करता। तो पापी का फल तो पकता है तब उसे पता चलता है, शुरू में पता नहीं चलता। जैसे शराब पीने वाले को शुरू में तो लगता है बड़ा मजा आ रहा है, सर घूमा, दिमाग घूमा, पैर घूमा,
ऐसा घूमा वैसा घूमा, मगर जब उसका लीवर खराब होता है, जब उसे घर में कोई पूछता नहीं है, जब मोहल्ले में उसकी इज्जत नहीं रहती, जब उसे लोग अपने यहाँ नहीं बुलाते, रिश्तेदार नहीं उसे पूछते, उसे शराबी कह के उसकी बेइज्जती होती है, तब उसे समझ में आता है कि भाई ये जो मैं शराब पीता हूँ इसका पाप का फल तो बड़ा बेकार है। तो इसलिए पापी को पाप का फल पकता है तब पता चलता है, ये बात उन्होंने वहां उनको समझाई। इसके उलट उन्होंने दूसरी बात ये बताई, भद्दोपि पश्यति पापं याव भद्दं न पच्यति, यानी भद्दो भी पाप को देखता है जब तक भद्द नहीं पकता। क्या है, जो अच्छा व्यक्ति है यानी जो कल्याण करने वाला व्यक्ति है वो भी पाप को देखता है। कोई अच्छा व्यक्ति है वो देखता है कि भाई ये पाप का काम है, इसको मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो देखता है कि ये जो पाप है ये पाप पकेगा, इसलिए वो उसको देखता है और उसको ग्रहण नहीं करता, उसको दूर कर देता है। तो इसलिए भद्द का पाप पकता नहीं है, और जब भद्द पचता है तो भद्द को भद्दा देखता है। यदा च पच्यति भद्दं अथ भद्दो भद्दानि पश्यति, यदा च पच्यति भद्दं, यानी कि और जब उसकी अच्छाई, कौन सी अच्छाई, ये अच्छाई कि उसने पाप को देखा और पाप को ग्रहण नहीं किया, उसने सिर्फ अच्छाई को देखी और अच्छाई को ग्रहण किया। और ये अच्छाई जब पकती है, क्योंकि पाप भी पकता है और अच्छाई भी पकती है, आप जो पाप कर्म करेंगे उसका भी रिजल्ट आएगा दुखों का, और जब आप अच्छा काम करेंगे पुण्य कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा अच्छे का। तो जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो भद्र व्यक्ति होता है, वो उसकी अच्छाई को पकते हुए देखता है और वो उसे मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है वो पाप को भी देखता है और पाप से दूर रहता है, और एक समय में आके उसके अच्छा काम जब फल में बदल जाता है, क्योंकि फल में तो बदलेगा ही, जैसे पाप फल में बदलता है पाप फल में, ऐसे ही अच्छा जो भद्द है वो भद्द फल में बदलता है, पाप फल और भद्द फल, तो भद्द फल आएगा तो उसका सुख मिलेगा उसको और उसको देखता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उस सेवक से जो उनका सेवक था कि ये जो इसने कर्म किए हैं अनाथ पिंडक ने, जो अच्छे कर्म किए हैं, इन अच्छे कर्म का फल उसे मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, ये सब उसके इकट्ठे हो रहे हैं। धन का आना जाना कोई अच्छे और खराब फल में नहीं आता, मगर जो उसका मन शुद्ध है और निर्मल है और जो साफ हो चुका है वो उसका सुख देता है, सुख जो आता है मन में आता है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Good time.
कामेशु मिच्छचर विरमणि सिक्खापदं स्मादियामि।